देखें जी, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और उसके अलावा, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ ए रिलेशन बिटवीन ए फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव और वेरिएबल्स। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ ऑर्डर ऑफ इट्स हाइएस्ट डेरिवेटिव एंड इस डिग्री इज पावर ऑफ इट्स हाइएस्ट डेरिवेटिव। जिस तरह ये फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर वन के थर्ड डेरिवेटिव जो है उसकी फोर्थ पावर है और प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स के, तो जो पावर है वो इस टाइम 4 है, तो लिहाजा इसकी डिग्री 4 होगी। और ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, क्योंकि हाइएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 3 है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका ये लिखी जाएगी कि ये हमारे पास इसमें, यानी कि आपके पास ये डिग्री है, ये हमारे पास डिग्री होगी, पावर जनसी होगी, और ये हमारे पास थर्ड जनसा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास 3 होगा। लिहाजा ये इस तरीके से हमारे पास होगा। इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के तरीक़ेकार को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। वो कैसे करते हैं जी, हम इसको हम आगे जाके इसी तरह इसके अंदर देखें, इसकी जो होल पावर है हमारे पास, ये देखिए इसकी जो होल पावर है हमारे पास, यानी होल पावर इसकी 1 है, तो लिहाजा इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास 1 है। और इसके अंदर जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 है, तो लिहाजा ये हमारे पास 2 हमारे पास लिखा जाएगा। तो लिहाजा ये इस तरीके कार से हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और इससे मुराद हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज के अंदर फिर दोबारा हम यही बात लिख रहे हैं कि इफ़ नो प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद इट्स सेल्फ और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव अकर्स, द इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर, अदरवाइज इट इज़ नॉन लीनियर। कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की जो उनसे हमारे पास हैं प्रोडक्ट जो उनसे अपने साथ और उसके डेरिवेटिव्स के साथ हो, तो उस सूरत हाल में हम उसे लीनियर कहेंगे। बहरहाल ये हमारे पास इस तरह है कि ये आप सिर्फ पढ़ना ही है, टर्म्स ऐसा चैस यानी इंट्रोडक्शन है, y डैश प्लस एस क्यूब वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास है। सेकंड डेरिवेटिव एक्स वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू वाई डबल डैश प्लस 3x प्लस 2 y डैश प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। कहते हैं कि अगर f जो है नॉन लीनियर हो तो f मे कंटेन y डैश, यानी इस तरीके से हमारे पास होगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है और कोई इसका मकसद नहीं है। उसके बाद ये हमने ना एक सवाल किया कि मिसाल के तौर पर यहाँ से असल हम देखते हैं कि जी अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, आप इसके अंदर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाएं, तो आप इसके अंदर सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड इख्तियार करते, या आप बर्नौली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का वाई इज इक्वल टू वी एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरिजिन चेंज करके हम जो है वो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को रिड्यूसेबल कर सकते हैं, होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि इसको हल करें तो आप फौरन हल कर देते हैं। ये देखिए वाई डी वाई और इसका ये वाई स्क्वायर ओवर, और फौरन इसका हमारे पास हल हो गया, और वाई जीरो यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद रहता है जी। मकसद ये है बताने का, ये फौरन आप जो है इस किस्म की इक्वेशन को हम पहले भी हल करते आए हैं और आप भी हल किया, तो ए इज इक्वल टू 1/2। लेकिन ऐसी हमारे पास ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो थी जो हमने स्पेशल टाइप में पढ़ी, यानी हमने बर्नौली पढ़ी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पढ़े, ये जितने भी हमने इसके अंदर पढ़े हैं, जैसा कि ये हम लिख रहे हैं कि कई मेथड ऐसे हैं जो हम पढ़ के आए, जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओ डी ई स्टैंड्स फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक ई रेस्ट पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1 हमारे पास, तो इसमें जेड सब्सिट्यूट करके हमने इसको सॉल्व किया। और भी तरीक़ेकार हैं, मकसद ये है। इसी तरह होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर उसके बाद लीनियर एंड
रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम पिछले सेमेस्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, यानी हमने जो है पिछले सेमेस्टर के अंदर ये पढ़ के आए और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया हमने, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया। लेकिन ऐसी कई मैथ हैं जिसकी मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि जो कि आपके पास क्या कहते हैं पिछले मेथड से हल नहीं होती। बस मैं कहता हूँ जी, अगर आप क्लेम करते हैं कि आपको सारा कुछ आ गया, तो हम आपको कहते हैं ठीक है आपका क्लेम सही है। अब अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें सब कुछ आता है, तो उसके बाद और जितने मेथड हमने पढ़ लिए हैं वो काफ़ी है मान लिए, तो उस सूरत हाल के अंदर फिर हम कहते हैं आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाएं। ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस टेन इनवर्स साइन हाइपरबॉलिक 2x प्लस 1 3.2 एक्स के प्लस 1 माइनस 2 एक्स वाई के प्लस 2, यानी इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप सॉल्व करके दिखाएं, तो आपका जवाब जो है ना वो नो में आएगा। आप ऐसी क्वेश्चन नहीं लिख सकते जिसमें आपके पास इन्वर्सिस फंक्शन भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो हमारे पास, और उनकी प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हो, पावर भी हो, हाइपरबॉलिक भी हो, और फिर उसके बाद उसको हल करने को कहा जाए। हमने तो हल की है एक स्पेशल इन्वायरमेंट में, स्पेशल इन्वायरमेंट मतलब बर्नौली का इन्वायरमेंट बनाया हमने, हमने लीनियर इन वाई का इन्वायरमेंट बनाया, हमने लीनियर इन एक्स का बनाया, हमने होमोजीनियस का बनाया इन्वायरमेंट बनाए, यानी इन्वायरमेंट में ऐसे सवाल एडजस्ट किए जो कि हमारे पास कहते हैं उससे हल हो जाते थे। अब ये देखना दूसरा सवाल मैंने लिखा, आप भी लिख सकते हैं इसमें लॉग 3 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 2 प्लस 2 और बेस 2 एक्स के प्लस 2 प्लस साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, इसको आप जितना मर्जी जो है यहाँ पर क्या कहते हैं इसको हल करने की कोशिश करें, बड़ा मुश्किल है। अगर आपने कह दिया मैंने ये हल कर देंगे, तो हम आपको और भी मुश्किल दे देंगे टारगेट के, लो जी आप इसको हल करके दिखाएं। ये मैंने 3-4 एग्जाम्पल बनाई, आप खुद भी बना सकते हैं ऐसी एग्जाम्पल जिसके अंदर जो है इन्वर्सिस भी आ जाए, एक्सपोनेंशियल्स भी आ जाए, अल्जेब्रिक भी आ जाए, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ जाए, और फिर हाँ उसके अंदर इनिशियल कंडीशंस कोई मुनासिब सी दी भी जाए जिस जो कि उस एनवायरनमेंट के ऊपर हल कर भी सके, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हल हो रही है। अब हमारे पास कहते हैं, अब हमने कहा है यहाँ पर कि जी ठीक है हम जो है इसको डिस्कस करेंगे, किस में डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड के अंदर। न्यूमेरिकल मेथड इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं जिनमें से हम आयलर्स मेथड, इम्प्रूव्ड आयलर्स मेथड, मॉडिफाइड आयलर्स मेथड और भी इस तरह के कई नाम हैं, तो हम उनको वन बाई वन करके जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये आपके सामने नज़र आ रही हैं वो आसान नहीं है कि हम अपने पिछले मेथड से डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल कर सकें। इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल करने के लिए हमें एक ख़ास किस्म की टेक्निक और न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो हमारी मदद करता है कि जी हम आपकी मदद करते हैं इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। हमने यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल सेट की है सॉल्व करने के लिए, और आयलर मेथड को हमने कहा जी कि ये इसके ज़रिए हम हल करेंगे, और इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हल करेंगे मुकम्मल डिस्कशन के बाद। लेकिन क्या कहते हैं ना, ये हमारा ज़ीरो लेक्चर है, इन लेक्चर ज़ीरो हमारे पास है, और इसके अंदर हमने ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन चूज़ की है जो दोनों से हल हो जाती है, यानी हमारी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैं वो न्यूमेरिकल मेथड से भी हल होती है। चाहे हमने इससे पहले जितनी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है वो सब की सब हमारे पास इससे सॉल्व हो जाएंगी जो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, यानी हम फिलहाल आयलर्स मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या कहती हैं, और वो क्वेश्चंस जो हम पहले हल करके नहीं आए वो भी हल हो जाते हैं डिफरेंशियल क्वेश्चंस के, और वो क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो हमने हल किए थे डिफरेंशियल क्वेश्चंस के वो भी हल हो जाते हैं। लिहाजा इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं, और वो हम इंशाल्लाह वन बाई वन करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा हमें ज़रूरत है ऐसे सवाल, ऐसे मेथड्स की जिसके अंदर क्या कहते हैं हमारे पास जो इनको डिनाई ना करें हमारे पास, यानी इस किस्म के सवालों को डिनाई ना करें, ये हमारे पास है जी इस किस्म के सवालों को। अगर इसने इस किस्म के सवालों को डिनाई कर दिया तो फिर हम जो है हम कैसे हल करेंगे। बहरहाल ये हमें जो है एक ये तीनों सवाल जिनसे हैं वो हमारे पास उसमें हल हो जाएंगे न्यूमेरिकल टेक्निक से। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप चाहें तो और मज़ीद सवाल बनाकर ये सिचुएशन जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास ये सवाल हल ना हो, और हल होने वाले भी हल ना होने वाले भी आप कर सकते हैं,
और फिर हमारे जो मेथड इंट्रोड्यूस होंगे बाद में ओ डी ई की सीरीज के नाम से होंगे। ओ डी ई सीरीज आज अब हम चलने शुरू हो रहे हैं, तो वो आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कशन होगी, आप उसको भरपूर तरीके से करें और फिर हम उसके मैटलैब के अंदर प्रोग्रामिंग भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।